नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में दिशा परीक्षण, जिसमें आज आपका दिशा परीक्षण में टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टाइप नंबर 3 है आपका कोणों पर आधारित, यानी कोण पर आधारित, और टाइप नंबर 4 है घड़ी की सुइयों पर आधारित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 3 है कि कोण पर आधारित। अब सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं। मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता हूं, अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? तो सवाल यह है, देखिए बोल रहा है मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, सिर्फ खड़ा है, चल नहीं रहा है। क्या कर रहा है? खड़ा है और वहीं से इधर है, उधर से 45 डिग्री इधर मुड़ रहा है, फिर 90 डिग्री को इधर मुड़ रहा है। तो इस तरीके से एक ही जगह पर रह करके मुड़ रहा है। ठीक है भाई, इधर दिशाएं आप एक लिख लीजिए। ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर। इधर आपकी कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। इधर आपकी पूरब, और ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पश्चिम। अब मैंने चार सब डायरेक्शन भी बताएंगे, ये आपकी उत्तर पूर्व, ये आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये आपकी उत्तर पश्चिम। तो ये चार सब डायरेक्शन होते हैं और चार मुख्य दिशाएं होती हैं। तो चलिए सवाल हल करते हैं। कह रहा है कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मान लो एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं। पूरब दिशा इधर है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मुंह किधर है? पूरब दिशा की ओर है। ठीक है, मैं घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूं। अब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? यहां इसके नीचे ये 90 डिग्री मुड़ता हूं। मान लो वो इस तरीके से था और 90 डिग्री मुड़ता है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा घड़ी की दिशा में। यहां से चल करके वो यहां आ गया, इस समय वो यहां है, 90 डिग्री मुड़ता हूं। फिर क्या कह रहा है? और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब घड़ी की विपरीत दिशा इधर, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता हूं। घड़ी की विपरीत दिशा में अगर वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां तक आएगा तो 90, अब 90 के आधे यहां 45 डिग्री मुड़ रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले वो यहां था, इस तरीके से मुंह किए हुए था, फिर क्या किया उसने, घड़ी की दिशा में मुंह था, मतलब पूरब की ओर मुंह था, उसने क्या किया, 90 डिग्री जो था घड़ी की दिशा में कुछ इस तरीके से अब यहां आ गया। अब यहां से क्या किया उसने, घड़ी की विपरीत दिशा में अब इधर चलाया और कितना, 45 डिग्री, तो इधर आ गया। अब इधर आपकी कौन सी दिशा होती है? तो यहां नहीं है ना यहां है वो इस समय, मुंह की किधर मुंह है? इधर मुंह है। तो इधर कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए चल नहीं रहा है। जब भी कोण वाले सवाल दिए जाएंगे तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, 2 किलोमीटर चला फिर 45 डिग्री मुड़ा, लेकिन यहां पर वो सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। मान लो एक व्यक्ति है उत्तर पश्चिम दिशा, ये वाले जो मुंह है वो किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, इस तरीके से अब क्या कर रहा है, दिशा की ओर है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मैंने बताया हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरीके घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी की दिशा में यहां है, 90 डिग्री मुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से वो यहां आ जाएगा, इस तरीके से यहां 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यहां आ जाएगा। ठीक, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अच्छा, टोटल जो कोण होता है वो 360 का होता है। अब मान लो कोई इधर है, अब 180 यानी आधा आधा इसके जस्ट, तो यहां जस्ट इसके अपोजिट यानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा
सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा यानी उल्टे चलेगा, उल्टा चलेगा। और 180 जब भी बोला जाए तो जस्ट उसके विपरीत बना दो, अब जस्ट इसके नीचे 180 डिग्री, इधर से इधर आएगा तो कितना 180 डिग्री, अब उसका मुंह इस दिशा की ओर है, ठीक है। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी किस दिशा में, विपरीत दिशा में ही कितना मुड़ रहा है 90 डिग्री। अब यहां से वह विपरीत दिशा में 90 डिग्री इधर यहां इस तरीके से वो यहां आ जाएगा। अब सवाल कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो इधर कौन सी दिशा है, तो इधर भाई फिर से आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम फिर आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगला प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर, मान लो व्यक्ति ये है, मुख इधर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। फिर कह रहा है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कितना 45 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा इधर 90 आएगा तो यहां 45 इधर, घड़ी की दिशा में इधर से आकर के, यानी यहां था इधर से आकर के घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में ही 180 डिग्री मुड़ता है। अभी वो यहां है, घड़ी की दिशा इधर चलेगा, मैंने कहा जब भी 180 डिग्री बोला जाए तो जस्ट उसके अपोजिट विपरीत बना दो, तो यहां है जस्ट इसके नीचे यहां, अब उसका जो मुंह है वो किधर है, इस दिशा की ओर है, नीचे की इधर इधर की ओर है, यानी इधर था 180 डिग्री इधर मुड़ गया, फिर अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री चलता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा, अब उसका मुंह इस दिशा की ओर है, अब यहां से यहां तक आएगा, यहां आएगा तो 180 यहां आ जाए घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये कोण जो है कितने का है 180, यहां था यहां आया घूम करके 180, तो वापस जाएगा तो 270 चल रहा है, 180 यहां और 180 में कितना और जोड़ दूं कि आपका 270 हो जाए 90, तो यहां है 90 कुछ इस तरीके से यहां आएगा, ठीक है। ये जो बनेगा आपका ये वाला, ये कितना बनेगा 270 डिग्री। तो इधर कौन सी दिशा होती है, तो ये आपकी कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये आपके टाइप नंबर 3 के 3 प्रश्न थे, यानी कोणों पर आधारित जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आपके अगला टाइप है, टाइप नंबर 4। चलिए स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसका ले लो। टाइप नंबर 4 है आपका घड़ी की सुइयों पर आधारित। सवाल है एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यानी 4:30 हो रहा है, यदि घंटे की सुई पूरब की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। चलिए सबसे पहले तो आपको घड़ी बनानी है भाई, घड़ी बना लीजिए, 12 ये 6 इधर 3 ये 9 10 ठीक है, समय कितना हो रहा है 4:30। अच्छा 4:30 पर जो घड़ी के घंटे की जो सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी, और जो मिनट की सुई होगी वो कहां होगी, वो होगी 6 पर, तब समय कितना होगा 4:30। ठीक है, कह रहा है सवाल घंटे की सुई पूरब की ओर है, ये जो सुई है ये वाली ये किस दिशा की ओर है, पूरब की ओर है। चलिए अब इसके अनुसार हम दिशाएं बना लेंगे, ठीक है। अच्छा इधर पूरब है तो इधर क्या होगा, तो इधर आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, इधर ऊपर हमेशा कौन सी रहती है, उत्तर दिशा। देखो इसके अनुसार इसको क्या दिशाओं को इधर थी, अब दिशाओं को इधर कर दिया गया है, इधर कौन सी हो जाएगी, तो इधर हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा।
सवाल कह रहा है कि जब घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो इधर कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, और यहां पर आपका जो दिशा परीक्षण टॉपिक है वो आपका आज समाप्त हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्लॉक बनाते हैं, समय कह रहा है यदि घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। 2:45 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे, 2:45 पर जो मिनट की सुई है वो किधर होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, सॉरी घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी, और मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो ये होगी आपकी पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, सवाल कह रहा है यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो, वो भाई पहले से ही है, मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो वो पहले से ही है, कितना सरल है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो घंटे की देखो भाई थोड़ी सी इसके थोड़ी सी ऊपर है, तो आंसर भाई तब भी आपका उत्तर पूर्व ही आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है क्या है, उत्तर पूर्व, नोट कर लीजिए और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका टॉपिक जो था दिशा परीक्षण, इसमें 4 टाइप थे, जो मैंने आपको चारों ही टाइप आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो दिशा परीक्षण जो टॉपिक है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।